हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड यूनिट 4 इंग्लिश बाल भारती का जो 4.1 पोएम है अंडर द ग्रीन वुड ट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रॉम द पोएम फाइंड द ओल्ड वर्ड यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें फर्स्ट है टू वर्ड्स, उसका जो है वर्ड दिया है अनटू. सेकेंड है हियर, हियर के लिए हिदर दिया है और थर्ड है डस, डस के लिए डर्थ दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन योर ओन वर्ड्स. उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन हु डज द पोइट इनवाइट टू जॉइन हिम. आंसर है द पोइट इनवाइट्स द पीपल हु शेयर हिज फीलिंग्स टू जॉइन हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड दैट पर्सन सिंग. आंसर दैट पर्सन शुड सिंग मैरिली. थर्ड क्वेश्चन है What message does the poem convey? Answer, the poem conveys the message that if one deliberately avoids ambition and lives a simple life in the lap of nature, one will be very happy and have no real enemies. The only enemies will be winter and rough weather. Next question, pick out the lines that mean. मतलब पोएम की कौन सी लाइंस दी हैं इस जो छोटे से सेंटेंस के लिए, छोटे लाइंस के लिए जो लाइंस दी हैं उसके लिए पोएम की लाइन लिखना है. तो फर्स्ट है सिंग इन सच अ मैनर, उसके लिए दिया है एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट. सेकेंड है वन हु विशेस टू जॉइन मी, उसके लिए हमारे लाइन है हु लव्स टू लाई विथ मी. नेक्स्ट है हु गिव्स अप हिज डिज़ायर फॉर वेल्थ पावर फेम एट्सेट्रा, लाइन है हु डोथ एम्बिशन शन. फोर्थ है लाइफ इन द फॉरेस्ट इज फ्री फ्रॉम इल विशर्स, आंसर इज हियर शैल ही सी नो एनिमी. फिफ्थ है हैप्पी टू सी ईट वॉट एवर ही कैन गेट, आंसर है सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज्ड विथ वॉट ही गेट्स. सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. इफ यू लाइक माई टीचिंग तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके. और आप इस चैनल पर शिव अनुजा इस चैनल पे आप सीक्वेंस से लेसन्स और क्वेश्चन आंसर्स फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.